थी लंदन की, सड़क लंदन की, लोग लंदन के, लेकिन होर्डिंग्स पर अटे पड़े ये पोस्टर्स बलूचिस्तान के हैं। आखिर क्यों जनाब, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल ये तस्वीरें चीख रही हैं, आपसे हमसे टकराने का साहस मांग रही हैं, क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों के सब्र का इम्तिहान सहन शक्ति से पार निकल गया है, पार निकल गया है उनके भीतर छुपा हुआ दर्द। नतीजा, सताए गए पीड़ित बलूचिस्तानी मजबूर हो गए लंदन की सड़कों पर अपने दर्द का प्रचार करने के लिए। गौरतलब है कि आजाद बलूचिस्तान की लड़ाई अब लंदन में लड़ी जा रही है। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के बाहर बलूच समर्थकों ने पोस्टर लगाकर बलूचिस्तान में पाकिस्तान के अत्याचार पर विरोध दर्ज कराया है। जब ये पोस्टर क्रिकेट ग्राउंड के बाहर लगाए गए थे तो उस वक्त पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच मैच चल रहा था। मैच खत्म होने के बाद ही पाकिस्तान समर्थकों ने बलूचिस्तान के समर्थन में लगे इन पोस्टरों को फाड़ दिया। असल में बलूच समर्थकों का आरोप रहा है कि पाकिस्तान ने 27 मार्च 1948 को बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया और तब से बलूच के लोग अत्याचारों से पीड़ित हैं। बलूचों की शिकायत है कि बलूचिस्तान के लोगों को पाकिस्तान मार रहा है और उनका जनसंहार कर रहा है। बलूचिस्तान के कई नेता भारत से भी गुहार कर चुके हैं कि उन्हें आज़ादी दिलाने में मदद की जाए, और अब इसी कवायद में आज़ादी की आग अब लंदन तक भड़क चुकी है।